वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल वसीम अकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे उर्दू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम प्राइमरी के लिए। इससे पहले हम लोग 120 क्वेश्चंस कर चुके थे, आज हम लोग 21 से लेके 20 या 30 क्वेश्चंस को करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को हिट कर ले लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो 121 नंबर क्वेश्चंस है, अन्नदाता किस जरिया तख्लीक की गई, यानी किसके जरिया ये तख्लीक यानी लिखी गई। तो कृष्णचंद के जरिया। चांदनी रात नज्म किसकी लिखी है, तो मीर हसन की। चांदनी रात मीर हसन की। वक्त किसकी तसनीफ़ है, तो मौलवी नज़ीर अहमद, डिप्टी नज़ीर अहमद की वक्त लिखी हुई है। गरजग नज़म के मुसन्निफ कौन है, तो नज़ीर अकबर आबादी। ओके, गरजग नज़म के मुसन्निफ नज़ीर अकबर आबादी। आज की बात ये नज़म किसने लिखी है, तो सिकंदर अली वजद। ओके, आज की बात नज्म किसकी है, सिकंदर अली वजद। 126 नंबर क्वेश्चन, ए किशोर हिंदुस्तान नज्म के मुसन्निफ कौन है, तो जगन्नाथ आज़ाद। नज्म महात्मा गांधी का कत्ल किसने लिखी है, तो महात्मा गांधी का कत्ल ये जो नज्म है इसका लिखने वाले आनंद नारायण मुल्ला। ओके, आनंद नारायण मुल्ला। जुगनू नज्म किसके लिखी है, तो डॉक्टर इकबाल। नज़्म पानी की रवानी किसने लिखी है, तो अकबर अल्लाहबादी। ओके, अकबर अल्लाहबादी। मिट्टी का दिया किसने लिखा है, तो अल्ताफ़ हुसैन हाली। गंड ड्रामा किसने लिखा है, तो ये कृष्णचंद। हिंदुस्तान का पहला उर्दू अखबार कौन सा है, तो जामे जहानुमा। ओके, हिंदुस्तान का पहला उर्दू अखबार जामे जहानुमा, और ये दिल्ली से पब्लिश हुआ था। ये कब पब्लिश हुआ था, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 133वां क्वेश्चन, जामे जहानुमा किसने जारी किया, तो जामे जहानुमा ये मुंशी सदा सुख ने जारी किया। जामे जहानुमा कब और कहां से जारी हुआ, तो 1822 ईस्वी में कलकत्ता से। ओके, ये तो सर डाउट लग रहा है 1822, ठीक है, बट ये शायद दिल्ली होगा। अखबार अल हिलाल कब और कहां से जारी हुआ, तो 1912 ईस्वी को कलकत्ता से। अखबार अल हिलाल के मुदय्यर कौन थे, एडिटर कौन थे, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 136वां क्वेश्चन, सज्जाद हुसैन ने कौन सा मजाहिया अखबार निकाला, तो अवध पंच। वह अखबार कौन सा है जिसे मौलाना जफर अली खां और उनके वालिद ने जारी किया था, तो जमींदार। रिसाला उर्दू मुअल्ला कब और किसने जारी किया, तो हसरत मोहानी। ओके, रिसाला उर्दू मुअल्ला हसरत मोहानी 1903। कहकशा जो एक अदबी रिसाला है किसने जारी किया, था इम्तियाज़ अली ताज। ओके, इम्तियाज़ अली ताज। 140वां क्वेश्चन, उर्दू कवायद की सबसे पहली किताब कौन है, तो दरियाए लताफत। उर्दू कवायद की सबसे पहली किताब दरियाए लताफत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगारे किसका मजमुआ है, तो अंगारे ये अफसानों का मजमुआ है, ये किनका है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बागी शायर किसे कहा जाता है, तो मखदूम महीउद्दीन। बागी शायर मखदूम महीउद्दीन। 153 नंबर क्वेश्चन, नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क निज़ाम जंग किस शायर का लकब है, तो असदुल्ला खान गालिब का। 144 नंबर क्वेश्चन, मेरी ख्वाहिश है कि हिंदू मुस्लिम हिंदी सीखे। ओके, तो यह किसका कॉल है, तो महात्मा गांधी, यानी हिंदू उर्दू सीखे और मुस्लिम हिंदी सीखे, ये कॉल महात्मा गांधी का है। 145 नंबर क्वेश्चन, दस्त तहसंग किस तरक्की पसंद शायर का मजमू है, तो फैज़ अहमद फैज़। 146, मुफलिसी और ख्वाहिशमंद किस शायर की नज़में हैं, तो ये नज़ीर अकबर आबादी। गुले नगमा किस शायर का शेरी मजमू है, तो फराग गोरखपुरी। प्रेमचंद के उस अफसाने का नाम बताइए जो 24 घंटे के वाक़ पर मुश्तमिल है, तो कफन। ओके, इसके कैरेक्टर क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 149, कसीदा का आखिरी हिस्सा क्या कहलाता है, तो कसीदा का आखिरी हिस्सा कहलाता है दुआ। ओके, दुआ। 150 नंबर क्वेश्चन, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, गुरेज किस सनफ सुख्न का हिस्सा है, तो कसीदा। तो फ्रेंड्स, ये था इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन, 120 से लेके 150। नेक्स्ट वीडियो में 151 से लेके 80 तक क्वेश्चंस करेंगे। 30-30 क्वेश्चंस का ये वीडियो बन जा रहा, तो आप लोग इसको प्लीज़ रिवाइज कर ले। इससे पहले इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग इसको अच्छी तरीके से देख ले, ये वेरी इंपॉर्टेंट होगा कोई भी टेट एग्जामिनेशन के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।